जी तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक प्रोग्राम बनाएं जो यूज़र से गेट करे उसकी एज ईयर्स में एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और डिस्प्ले करें उसकी एज डेज के अंदर और मंथ्स के अंदर। मीन्स किसी ने अगर एज डाली है लेट सपोज 1, तो ये होगी इसकी ईयर्स की एज। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैसे अगर उसकी एज कितनी बनती है डेज में, 365 बनती है, और मंथ्स में कितनी बनती है जी, उसके हो गए जी 12 महीने उसने उसके गुजरे। ये आपने प्रोग्राम बनाना है। आप उसकी एज मांगो ईयर्स के अंदर और डेज में कितनी बनती है और मंथ्स में कितनी बनती है, ये कंप्यूट करके दो। आ जाते हैं विजुअल बेसिक में। ये पुराना प्रोग्राम है, इसको मिटाते हैं। पहले लेआउट सेट कर लेते हैं। अच्छा, पहले वाला कैप्शन शायद यही वाला हमारा जो लेआउट है ये काम आ जाएगा, क्योंकि देखें पहले हमने इसे एज मांगनी है, एज इन ईयर्स, ठीक है। और फिर हमने दूसरे में उसे कहना है, बताना है, आउटपुट करनी है कि एज इन, चलिए पहले मंथ्स कर लेते हैं, मंथ्स में कितनी एज है, और तीसरे में कर लेते हैं कि एज इन डेज। बस पहले टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से वैल्यू लेनी है और दूसरे और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आउटपुट करनी है। कोड में आ जाते हैं, मैं जूम इन कर देता हूँ आपको। ठीक है, हमने सबसे पहले उसे कहना है कि आप बता दो एज, तो ठीक है डिम एज एज इंटीजर। अच्छा, एज हम एज्यूम करें कि एज वो डालेगा ईयर्स में ही, ठीक है, तो एज लिख दिया। एम एज इंटीजर मंथ्स के लिए और डी एज इंटीजर डेज में, डेज के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने एज की वैल्यू लेनी है, तो एज की वैल्यू इनपुट करानी है पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स से, जिसका नाम है टेक्स्ट वन का टेक्स्ट, नाम इसका टेक्स्ट वन है। तो वहाँ से हमने टेक्स्ट उसकी यानी कि उसकी वैल्यू आपने पिक कर ली। आपने अगर सबसे पहले करना है कि मंथ्स में उसकी एज कितनी होगी, तो बस हमें पता है अगर किसी की जो है ना 1 साल एज है, तो उसकी मंथ्स में उसके 12 महीने भरेंगे, और अगर किसी की एज 2 है, 2 ईयर्स, दैट मीन्स कि उसकी एज 24 मंथ्स है। क्यों? क्योंकि हमें बस इतना सा पता है कि जो भी उसकी एज होती है उसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो उतने महीने बन जाते हैं। किसी की एज अगर 5 है, 5 साल, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है कि महीनों में इसकी एज इतनी बनती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि डेज में कितनी उसकी एज बनती है, तो जितनी भी उसकी साल में एज है आप उसे मल्टीप्लाई करो 365 के साथ। किसी की एज अगर 2 साल है तो आप 365 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी की एज अगर 10 है तो आप इस 10 को 365 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास एज उसकी आ जाएगी डेज के अंदर। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स हमने मंथ के लिए यूज़ किया है, तो ठीक है, मंथ आपका ये एम के बराबर है। तो टेक्स्ट टू इसका नाम था, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसको बराबर कर दो एम के, और टेक्स्ट थ्री के टेक्स्ट को बराबर कर दो डी, मतलब डेज के। इसको जूम इन मैंने किया ही नहीं था, ये आप लोग देख लें करीब से। इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। जूम आउट वापस किया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, वो कह रहे एज मैंने कहा जी 3 3 ईयर्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मंथ और डेज में उसकी एज आ जानी चाहिए। मंथ वही 36 मंथ्स और 1095 डेज उसकी जो है ना टोटल एज है, इसकी एज है 1 ईयर। तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, इस तर्ज का क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि भाई प्रोग्राम बनाओ जिसमें 2 कॉन्स्टेंट्स हों, बुक प्राइस और पेंसिल प्राइस। हमने लैब में भी किया था, जिसमें हम लोग जो है ना प्राइस पर बुक और प्राइस पर पेंसिल स्टोर करें, और आप उससे पूछो कि आपने कितने प्रोग्राम एक्सेप्ट्स नंबर ऑफ़ बुक्स और नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इनटू सेपरेट टेक्स्ट बॉक्सेस। पहले टेक्स्ट बॉक्स में पूछो हाँ जी कितनी बुक्स ख़रीदनी है आपको, फिर पूछो कितनी पेंसिल्स परचेज करनी है आपको, उसके बाद इसका बिल बना के आप मैसेज बॉक्स में टोटल कॉस्ट उसकी डिस्प्ले करा दो। मिसाल के तौर पे एक बुक की प्राइस है 100 और एक पेंसिल की प्राइस है 20। आप उससे पहले पूछो हाँ जी कितनी आपको जो है ना, अच्छा ये 10 और 20 आपने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर दिए, कितनी बुक्स लेनी है, उसने कहा 2, उसने कहा कितनी पेंसिल्स, उसने कहा 5,
आपने क्या कंप्यूट करना है, उसको बिल कंप्यूट करके डिस्प्ले करा देने। दो किताबें ली हैं 220 रुपये की, एक पेंसिल है तो 5 का मतलब है 100। टोटल बिल क्या बना, 200 यहाँ से, 100 यहाँ से, टोटल बिल आपका बना 300। वो आपने ये काम करना है। ये काम कैसे होगा? अच्छा, जो बिल है वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराना है। आए यहाँ पर हम लोग चलते हैं वीबी के प्रोग्राम में, इसको मिटाते हैं कोड को, पहले लेआउट सेट कर लेते हैं। तो ठीक है, पहले वाले का हम कहते हैं हाउ मैनी बुक्स, तो आगे इसके बुक्स डाल देगा और उसे पेस्ट करते हैं। दूसरे में जाके यहाँ पे हाउ मैनी पेंसिल्स, ठीक है। तो बस हमें जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे कंप्यूट नहीं करना, उसने कहा मैसेज बॉक्स में करें, तो हम इसको कट कर देते हैं यहाँ फिलहाल। चले इसको ऐसे करते हैं पहले, फिर मैसेज बॉक्स में भी कर देंगे। बिल या टोटल बिल कितना बना वो हम डिस्प्ले करा देंगे जी फिलहाल टेक्स्ट टेक्स्ट 3 के अंदर। कोड लिखने चलते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कोड लिखते हुए हमने उसे उसने कहा था कि दो कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करें, बी प्राइस और पी प्राइस। तो इसका तरीका होता है कॉन्स्ट बी प्राइस, ठीक है, आपकी जो है ना किसके बराबर होगी, इक्वल्स टू लेट्स सपोज 100 रुपये, और आप कॉन्स्ट प्राइस डिफाइन करते हो पी प्राइस, और ये आप कर दो लेट्स सपोज 20 रुपीज़ के। आपने क्या करना है, पहले टेक्स्ट बॉक्स में आपके पास बुक्स की वैल्यू आएगी और दूसरे वाले में पेंसिल, मतलब पहले वाले में आप कहोगे कि एक मिनट, पहले वाले में पूछोगे कितनी बुक्स, दूसरे वाले में आप पूछोगे कितनी पेंसिल्स, तो डेम बुक्स एज इंटीजर कॉमा पेंसिल्स एज इंटीजर, ठीक है। और आप असल में कंप्यूट क्या करने जा रहे हो, आप जो है ना बिल कंप्यूट करने जा रहे हो, तो बिल एज इंटीजर बिल कंप्यूट करेंगे। बुक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, पहले टेक्स्ट बॉक्स से, पहले का नाम क्या है, टेक्स्ट वन का टेक्स्ट। पेंसिल्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट टू का टेक्स्ट। दैट्स इट, बस आपने अब क्या करना है, चाहो तो यहाँ दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर कर लो कि बुक्स बिल और पेंसिल्स बिल, और उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, आपकी मर्जी है। नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, सही है। बिल्स के बिल किसके बराबर होगा, बिल आपके पास होगा जितनी आपने बुक्स ली हैं उसको पहले मल्टीप्लाई करो। बुक की प्राइस वो क्या है, बी प्राइस प्लस जितनी आपने पेंसिल्स ली हैं उसको मल्टीप्लाई करो पेंसिल की प्राइस के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बिल। बिल आउटपुट करना है आखिरी टेक्स्ट बॉक्स में, तो टेक्स्ट 3 का जो टेक्स्ट है वो बराबर होगा बिल के। दैट्स इट। देखे ना, बुक आपने कहा दो परचेस किए हैं, तो दो मल्टीप्लाई होगा बी प्राइस से, बी प्राइस क्या है 100, तो 2 × 100 200। पेंसिल अगर आपने लेट्स सपोज 5 खरीदी हैं, तो 5 मल्टीप्लाई होगा पी प्राइस से, पी प्राइस क्या है 20, तो 100 यहाँ से आ गया, 200 यहाँ था, 100 यहाँ है, तो आपका बिल बन गया 300। ये बिल में आके वैल्यू स्टोर हो गई और बिल को आपने टेक्स्ट 3 का टेक्स्ट बना दिया आउटपुट के लिए। इसको जूम आउट किया, इसको एग्जीक्यूट किया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बुक्स कितनी थी, मैंने कहा 2, उसने कहा पेंसिल्स कितनी, मैंने कहा 5, टोटल भी उसने कहा भाई 300 बन गया आपका, और ये बिल्कुल करेक्ट आउटपुट है। आप अगर इसमें नहीं करना चाहते तो आप मैसेज बॉक्स में भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको काट के मैसेज बॉक्स लिखता हूँ, मैसेज बॉक्स में बस क्या कोई फ़र्क नहीं है, टोटल बिल इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, बिल। दैट्स इट। इसको चलाते हैं, उसने कहा जी बुक्स कितनी, मैंने कहा 2, उसने कहा पेंसिल कितनी, मैंने उसने कहा कि 5, बस इसको जैसे ओके किया, उसने कहा भाई टोटल बिल आपका इतना है। मैंने ये आखिरी वाली ये टोटल बिल और ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं हटाया था, मैंने डायरेक्ट आपका आंसर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दिया। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। फिफ्थ वाला मैं आपको जो है ना इसके बाद
एंड पे कराता हूँ। सिक्स वाला देखें, वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स लें और दो टेक्स्ट बॉक्स लें और एक बटन हो, और जब आप क्लिक करो बटन पे तो दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएं। मैंने क्लास में भी आपको लैब में भी इसकी एग्जांपल कराई थी कि अगर आपने लेट सपोज़ आपके पास एक ग्लास है और दो ग्लास हैं, फॉर एग्जांपल पहले ग्लास में आपने डाली 7 अप और दूसरी में आप डालते हो लेट सपोज़ पेप्सी, तो आपने अगर इनको आपस में इंटरचेंज करना है कि पेप्सी आ जाए 7 अप में, 7 अप आ जाए पेप्सी में, तो आप यकीनन क्या करते थे, तीसरा एक लाते थे ग्लास एम्प्टी, पेप्सी इसमें डाली, ये हो गया खाली, पेप्सी इसमें आ गई, 7 अप इसमें डाल दो, इसमें आ गई 7 अप, और यहाँ से पेप्सी उठा के डाल दो, इसमें पेप्सी डाल दो, ये ग्लास जो लाए थे आप तीसरा, उसको वो वापस खाली हो गया और वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज भी हो गई। यही काम अगर आपने यहाँ पे करना हो तो आप तीसरा वेरिएबल बस लेके आओगे। अब अपना प्रोग्राम बनाने चलते हैं, इसको कर पहले मिटाते हैं क्योंकि ये हमारे अब काम का नहीं, इसको करते हैं value 1 और दूसरी कर दी आपने value 2, और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मिटा दिया। पहले का नाम text 1, दूसरे का नाम text 2, कोड लिखते हैं। दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज डेम एक्स एज इंटीजर कॉमा वाई एज इंटीजर, ठीक है। पहले आप एक्स किसके बराबर करो, जो आपके text 1 के टेक्स्ट में लिखा है, और वाई किसके बराबर करो, जो आपके text 2 के टेक्स्ट में लिखा है, text 2 के टेक्स्ट में लिखा है। बस आपने वो करना क्या है, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, तो उसके लिए आप तीसरा वेरिएबल लेकर आओ, नाम कोई भी रखें। मैंने टेम्प रखा तो ये बस बताने के लिए कि टेम्परेरीली इस वेरिएबल को लेकर आ रहे हैं। टेम्प ले लिखा हमने, और इसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प में डाल दी पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, text 1 का टेक्स्ट डाल दिया, text 1 के टेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा, आपने वेरी आपस में इस तरह कर दी। अब आप क्या करो, text 1 के टेक्स्ट के अंदर आप क्या डाल दो, y, y में क्या है, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। तो आप एक्चुअली ये y से मुराद क्या है कि आप दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डाल रहे हो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये लाइन लिखनी थी, इसलिए इससे पहले आपने जो अब जब ये लिखोगे ना, तो y की वैल्यू text 1 में आ चुकी होगी। अगर हम इससे पहले वाली लाइन ना ना लिखते तो पुराने वाले टेक्स्ट बॉक्स यानी कि text 1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास ओवरराइट हो चुकी होती। तो पुराने वाली वैल्यू कहाँ डाल के आए हो, टेम्प के अंदर बस हमारा, और वो क्या आती, एक्स वाली, और text 1 में वाई आ चुका है। और अब क्या करना चाहते हो, text 2 के टेक्स्ट में क्या डालना चाहते थे, एक्स वाली वैल्यू डालना चाहते थे, वो कहाँ पड़ी हुई आपने डाली हुई है, टेम्प के अंदर। दैट्स इट, टेम्प के अंदर, ठीक है। इसको दोबारा एक बार अगर समझना है तो दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि जो है ना ये छोटा सा लॉजिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, बस आपने इसके बाद करना है एक्स किसके बराबर है text 1 के टेक्स्ट के, और वाई किसके बराबर है text 2 के टेक्स्ट के। इसको चलाते हैं, देखते हैं, उसमें जूम तो किया नहीं सारे कोड में, या अगर इसको करीब से भी देख लें, जो लोग लिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे चलें, और वापस आते हैं, चलाते हैं इसको, देखते हैं चलता है कि नहीं। वैल्यू डाली 10, इसमें डाली 5, जैसे बटन पे क्लिक करूं वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो गई हैं, ठीक है। देखें जब जब मैं कर रहा हूँ तो वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। इस तरह से हमारे पास ये भी वीडियो कंप्लीट होती है। हमने जो है ना 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस अभी कर लिए, मज़ीद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।